इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर बालू रेत से ओवरलोडिंग परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रशासन द्वारा गाइडलाइन बनाई जाती है, लेकिन फिर भी वाहन मालिक ओवरलोड रेत का परिवहन करते हैं। इसको लेकर देवास खनिज अधिकारियों द्वारा और ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही की गई। इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेमावर से इंदौर बालू रेत परिवहन करने वाले डंपरों पर कंपनी बाड़ी के अलावा अतिरिक्त बाड़ी बनाकर रेत का परिवहन करते हैं, जिसे चापड़ा खनिज चेक नाके पर देवास खनिज अधिकारी द्वारा डंपर को रोक कर अतिरिक्त रूप से बढ़ाई गई बाड़ी को काट कर बालू रेत को खाली कराया गया। वहीं रेत व्यापारियों ने इस तरह की कार्यवाही का समर्थन किया है और बताया कि डंपरों के अलावा रेत खदान पर जहां से ओवरलोड रेत भरी जाती है, ऐसी खदान संचालकों पर भी कार्यवाही की मांग की है। खनिज विभाग की इस कार्यवाही की जानकारी लगते ही डंपर मालिकों में हड़कंप मच गया। वहीं खनिज अधिकारी गणेश विश्वकर्मा ने बताया कि कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। हो चुकी है, अभी चल रही है, शाम तक चलेगी और आगे भी लगातार ये कार्रवाई चल जारी रहेगी। शासन के निर्देशानुसार आदेश दिए गए हैं कि जो भी गाड़ियां कंपनी बाड़ी से ऊपर हैं उनके अतिरिक्त रूप को कटवाया जाए और ये कार्रवाई लगातार होती रहेगी। में हम लोग जो अंडरलोड चलने वाले हैं वो तो इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं, पर ओवरलोड वाले इसके विरोध में। जैसा कि आज ये कार्रवाई हुई है, बहुत उचित कार्रवाई हुई, इससे ट्रेनिंग में भी बहुत फर्क पड़ेगा, दूसरा गाड़ियों में नुकसान नहीं होगा, डीजल की बचत भी होगी और ऐसी कार्रवाई भी चीज़ में होती रहनी चाहिए, इससे ओवरलोड वाले उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगे, इससे दुर्घटनाएं भी नहीं होंगी, रोड की बचत रहेगी। दूसरा एक चीज़ और चाहेंगे, जो ये खदान वाले ओवरलोड दे रहे हैं इन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, गाड़ी वालों पर ही कार्रवाई करना उचित नहीं, कार्रवाई खदान वालों पर भी होनी चाहिए कि वहाँ से ओवरलोड देना बंद करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।